हे वेलकम बैक लीडर्स, मैं अविनाश भास्कर चाटे, एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करूंगा एक महान व्यक्ति के विषय में, रियल हीरो। वीडियो छोटा सा है लेकिन काफी दमदार है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जनगुड़ मैसूर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। किसका? एक पावरफुल अंडरटेकर का, अनक्लेम्ड बॉडीज का अंडरटेकर, एक रिस्पॉन्सिबल शख्स का। नाम है त्रिविक्रमा महादेवा, जो आज तक 1.5 लाख से ज्यादा अनक्लेम्ड बॉडीज दफना चुके हैं, उनके अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कोई भी कास्ट हो, कोई भी मजहब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन्हें। ये हर एक अनक्लेम्ड बॉडीज की अंडरटेकर है, जिसका पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं बैंगलोर इंडिया में। अब छोटी सी उम्र में महादेवा अपनी माँ के साथ चामराजा नगर में शिफ्ट हो गए। एक दिन उन्होंने देखा अपनी माँ रोड पर कमजोर हालत में पड़ी है। किसी तरह डॉक्टर्स तक ले गए। डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि बैंगलोर में किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। इतने गरीब थे, पैसे नहीं थे इनके पास। अब एक्चुअल एडमिट होने में 4 साल का समय लग गया। ज्वेलरीज बेच बेच के किसी तरह बैंगलोर तो आ गए। विक्टोरिया हॉस्पिटल के बाहर 3 दिन वेट करना पड़ा। प्रोसेस मालूम नहीं था हॉस्पिटल में कैसे एडमिट होना है। अब यहाँ किसी की हेल्प से एडमिट तो हो गए, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने के कारण महादेवा की माँ का देहांत हो गया। और महादेवा को ये बात समझने के लिए लगभग 2 हफ्ते लग गए। उधर हॉस्पिटल में 3 दिन वेट करने के बाद हॉस्पिटल ने उस बॉडी को अनक्लेम घोषित कर उसे किसी अंडरटेकर कृष्णा के हवाले कर दिया, जिन्होंने महादेवा की माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। माँ गुजर जाने के बाद महादेवा की कृष्णा के साथ काम करने की इच्छा हुई, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से उन्हें कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा था, और इसी की वजह से कृष्णा के अंडर एक वॉलेंटियर के रूप में वो काम करने लग गए। यहाँ से इस महान इंसान की स्टोरी शुरू हो जाती है। लाइफ को एक पर्पज मिल जाता है उनके, और प्रॉपर डेडिकेशन के साथ उस दिन से आज तक 45 ईयर्स हो गए, उनका काम आज भी उसी डेडिकेशन से शुरू है, बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू है। मैं कहूँगा महादेवा कहते हैं कि उन्हें सुसाइड विक्टिम्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स, कार एक्सीडेंट्स हो, और बहुत सारे भिखारियों की लावारिस डेड बॉडीज मिलती है। मुझे डेड बॉडी, ट्रेन एक्सीडेंट, सुसाइड विक्टिम्स और बहुत सारे भिखारियों की मिलती है, जिनकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। इसके अलावा वो एबॉर्टेड इन्फेंट्स का भी अंतिम संस्कार करते हैं। इन लावारियस डेड बॉडीज की जानकारी महादेवा को पुलिस फोन पे इन्फॉर्म करती है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यानी पुलिस को अगर कोई डेड बॉडीज मिलती है और उस डेड बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं है, तो पुलिस उस डेड बॉडीज को लावारिस घोषित कर, अनक्लेम घोषित कर उसे महादेवा के हवाले कर देती है और उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद महादेवा उस बॉडी को ले जाकर उसे पूरे रीति रिवाज से, रस्मों से उनका अंतिम संस्कार या दफन विधि करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1970 में महादेवा को इस काम के लिए सिर्फ 2.5 रुपए मिलते थे, और आज भी इस काम के लिए उन्हें सिर्फ 700 रुपए मिलते हैं, जिसमें से 600 रुपए वो हेल्पर को दे देते हैं। यानी 100 रुपीज एक डेड बॉडी के पीछे कमाते हैं, बहुत मामूली है। मुझे आज भी याद है 1970 में मुझे एक बॉडी के 2.5 रुपए मिलते थे, और अभी मुझे 700 रुपए मिलते हैं, उसमें से मैं 600 रुपए हेल्पर्स को दे देता हूँ, तो मुझे 100 रुपए बचते हैं। महादेवा ने आज तक बहुत सारे अनक्लेम्ड लावारिस बॉडीज का अंतिम संस्कार किया है। डे बाय डे लावारिस बॉडीज की संख्या बढ़ती गई है, लेकिन महादेवा ने हार नहीं मानी है। ये काम वो करते रहे प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, एक ओनरशिप के साथ। बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा, आगे चलते गए, काम करते रहे। महादेवा कहते हैं उनके पास आज तक दफन किए हुए 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से ज्यादा स्लिप्स अवेलेबल है। आज तक 1.5 लाख से ज्यादा बॉडीज का अंतिम संस्कार और दफन विधि किया है, 100% सारे स्लिप के साथ आज भी मेरे पास अवेलेबल है। महादेवा डेड बॉडीज को ले जाने के लिए पहले घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ साल बाद कुछ एनजीओज ने उन्हें एक वैन गिफ्ट कर दी, डोनेट कर दी, और तब से लेके आज तक वो इसी वैन का यूज करते हैं। इसी वैन में डेड बॉडीज को ले जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। भले ही महादेवा का डेड बॉडीज को ले जाने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वक्त के साथ बदल गया है,
लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वक्त के साथ वो भी बदल गए हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ा है डे बाय डे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में है। जैसे बैंगलोर सिटी को हम आज भी गार्डन सिटी के रूप में मानते हैं, उसे सिंगापुर की तरह डेवलप किया जा रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट बैंगलोर में है, हम सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पे महादेवा कहते हैं कि दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए जगह ही नहीं बची है। महादेवा कहते हैं कि कभी कभी उन्होंने तो 15 डेड बॉडीज को एक कब्र में दफनाया है। महादेवा को इस अपने सामाजिक कार्य के लिए, उन्हें अपने काम के समर्पण के लिए, डेडिकेशन के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं आज तक। उसमें से एक अवार्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक स्टेट से भी मिला है। इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन उन सभी अवार्ड में से एक अवार्ड जो सबसे स्पेशल वो मानते हैं महादेवा, जो उन्हें फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया था। वो बताते हैं जब वो अवार्ड अनाउंस हुआ, जब अवार्ड वो लेने गए, तो वो नहीं जानते थे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। जब वो अवार्ड लेके घर आए, जब उनके बेटी के साथ उनका कॉन्वर्सेशन हुआ, तब उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि वो इतने बड़े देश के साइंटिस्ट है, और तब जाके उन्हें ये बात मालूम पड़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही मीनिंग यानी महादेवा है। इन्हें इस काम में बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते हैं, ना इन्हें कोई मॉनिटर करता है, किसी भी प्रकार का सुपरविजन ना होने के बावजूद भी ये अपना काम पूरी लगन से करते हैं। मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज में जाता हूँ, काफी सारे एचआर से मिलता हूँ, देखता हूँ कैसे एम्प्लॉय सब कुछ होने के बाद भी इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ओनरशिप नहीं लेते हैं। ये वैसे हर फील्ड में जाने से, स्टूडेंट हो वर्किंग प्रोफेशनल में, हर तरफ हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है लोग, आज ओनरशिप नहीं लेते हैं। कंपनीज में अगर आप जॉब करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखो, ओनरशिप लेना सीखो, कंपनी को ओनरशिप मानकर उसे डेवलप करना सीखो। आपका भी इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। यहाँ महादेवा से रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप का एक बेहतरीन एग्जांपल, बेहतरीन लेसन हम लोगों को आज दिखते हैं इस वीडियो के साथ। जब भी आपको कभी डाउन लगे, डिमोटिवेटेड लगे, या अपना काम बेकार लगे, इस वीडियो को देखिए, आप खुद ब खुद समझ जाओगे अपने लाइफ का पर्पज और उसका महत्व। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और भी काम के वीडियोस में लाता रहूंगा आपके लिए। वीडियो आप शेयर करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब लोगों का प्यार ही है जो मुझे यहाँ तक लेके आया है, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।